बॉलीवुड से इस वक्त बहुत बुरी खबर आ रही है। हमेशा अपने दौर से आगे चलने वाले एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। वो दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तबीयत खराब होने की वजह से उनका लखनऊ में इलाज करवाया जा रहा था। उन्हें कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद देखभाल के लिए वो अपने होम टाउन लखनऊ चले गए थे। 68 साल के मिथिलेश उन एक्टर्स में शुमार थे जिन्होंने कॉमेडी से लेकर निगेटिव रोल्स तक में अपनी जान फूंक दी थी। टीवी से लेकर फिल्मों तक वो छाए रहे। उनके किरदार छोटे जरूर होते थे, लेकिन वो दर्शकों पर अपनी हमेशा छाप छोड़ देते थे। मिथिलेश सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था। बावजूद इसके वो एक सफल अभिनेता रहे। मिथिलेश चतुर्वेदी ने अपने करियर में सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के साथ कई बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा, मनोज बाजपेयी की फिल्म सत्या, शाहरुख खान के साथ अशोका, अनिल कपूर के साथ ताल, अभिषेक बच्चन की बंटी और बबली, ऋतिक रोशन की क्रश और सलमान खान की फिल्म रेडी में काम किया था। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया से मिली। इस फिल्म में उन्होंने ऋतिक रोशन के कंप्यूटर टीचर का रोल निभाया था। उन्होंने वेब सीरीज स्कैम 1992 में भी काम किया था। टीवी, फिल्म और डिजिटल तीनों में मिथिलेश ने अपने पैर पसार लिए थे। ऐसा करने वाले वो कुछ गिने चुने एक्टर्स में से एक थे। मिथिलेश जितने शानदार एक्टर थे, उतने ही जानदार वो इंसान भी थे। उनके निधन की जानकारी देते हुए उनके दामाद ने लिखा है, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे। आपने मुझे दामाद नहीं बल्कि एक बेटे की तरह प्रेम दिया। भगवान आपकी आत्मा को शांति करे। मिथिलेश का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए गहरा झटका है, क्योंकि उनकी उम्र के कलाकार ढूंढने से भी नहीं मिलते। उनके निभाए किरदार और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।